by 2, question number 1. If we know how to find the question number 1, we'll find this question number 1 with the help of this formula. और इस question number 1 पे हम लोग इस formula पे based करके जो चार things है, A यानी first term निकालना सीखेंगे, number of terms निकालना सीखेंगे, common difference सीखेंगे और AN निकालना सीखेंगे. तो पहला वाला करते हम लोग formula use करना है AN is equal to A plus N minus 1 B. Just follow the pattern to solve the sums. In the next other sums, except this question number 1, we'll follow the process how to find. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें AN निकालना है. तो AN का जगह कुछ नहीं लिखेंगे, AN ही रहेगा. A लिखेंगे क्योंकि A दिया हुआ है 7 प्लस ब्रैकेट में N के जगह 8 और B is given 3. तो सबसे आसान होता है AN निकालना. जस्ट पुट इन टू द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट. पहले ब्रैकेट का काम होता है एज यू ऑल नो दैट. तो 8 माइनस 1 इज 7 मल्टीप्लाई 3. आप इन दोनों को प्लस करोगे तो मैथ गलत हो जाएगा. इनटू पहले आपको ये दोनों इनटू करना होगा. बदमाश रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होता है. तो 7 प्लस 7 इज 21 28. पहला वाला हो गया. हां पहला वाला ही आपको इजी लगा, धीरे धीरे टफ लगेगा, लेकिन लेसन इजी. अगर आपको कैलकुलेशन करना आ गया तो लेसन टोटली इजी. लेट अस सी द नंबर 2. ओके, यू कैन राइट इट लेटर ऑन, बाद में लिख ले. नंबर 2 करते हैं. देखो नंबर 2 में भी सेम फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बी. इस बार ए दिया है माइनस 18, ए की जगह पे माइनस 18 लिखेंगे. एन दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है, सॉरी बी निकालना है तो बी लिख दो, जो निकालना है वो लेटर लिख. और एन दिया है तब एन 0 दिया है, तो मेरा बात ध्यान से सुनो. इस बार हमें एन नहीं निकालना है, हमें बी निकालना है. हमेशा याद रखना जब एन ना निकालना हो, सबसे पहले ये जो ए है, ये जो ए है इसको इस तरफ ले आना है. यानी कि मेरे को माइनस 18 को इधर लेके आना है. तो माइनस 18 इधर लाएंगे तो क्या होगा? प्लस 18. प्लस 18. और ब्रैकेट को तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं. 10 माइनस 1 गिव्स इट 9 और साथ में डी है ना, 9 उधर ले जाओ, डिवाइड में आ जाएगा 2. फटाफट करो डी इक्वल टू पॉज करो. तो इस बार हमें ए निकालना है क्योंकि ए मिसिंग है. तो ए की जगह ए रहेगा. अच्छा ए एन कितना है? ए निकालना है तो ए लिख दो. एन दिया है 18 और डी दिया है माइनस 3. नॉट सो टफ. माइनस 5 का माइनस 5. कैन यू सॉल्व दिस ब्रैकेट? 18 माइनस 17 और ये माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51 माइनस में उधर ले जाओ, क्या होगा? प्लस हो जाएगा. तो ये कितना आएगा? 51 माइनस 5 माइनस हो जाएगा ना. प्लस माइनस माइनस एंड 51 इज ग्रेटर देन 46. सो एन इज गिवन 3.6. ए इज गिवन माइनस 18.9. ठीक है, एन हमें निकालना है और डी दिया हुआ है 2.5. ये पूरा क्वेश्चन में पॉइंट ही पॉइंट है, 3.6. ये ठीक है, मैंने कहा ना इसको इधर ले आना हमेशा. ए को, ए को इस तरफ ले आओ. क्या माइनस 18.9 है, इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? प्लस 18.9. अकॉर्डिंग टू हर्षित मल्टीप्लाई कर दो. 2.5 इंटू एन कितना होगा? 2.5 एन. देख लो पहले 2.5 इंटू एन इज 2.5 माइनस 2.5 इंटू 1 2.5. तो ये ब्रैकेट के साथ इस बी को दो बार मल्टीप्लाई, एक बार एन के साथ एक बार एड, इसको प्लस कर दे. 18 प्लस 4 22.
टू पॉइंट फाइव है, इस तरफ ले क्या होगा? प्लस टू पॉइंट फाइव प्लस हो जाएगा, उधर बचेगा टू पॉइंट फाइव है। सो ये प्लस करो, 22 प्लस 2 25 हो रहा है सर, 25 हो रहा है। अब चेक कर लो, 25 नहीं होगा? हाँ सर, 22 प्लस सो 2.5 एन है, ये एन के साथ है, इस तरफ 2.5 लाओगे तो डिवाइड में आएगा, क्योंकि एन के साथ है मतलब क्या मल्टीप्लाई में है, उधर क्या बचा है 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 10 टाइम्स एन इक्वल टू इज इट। कितना आसानी कर लो, हमें क्या निकालना है? 30 टर्म, वी नीड टू फाइंड 30 टर्म। व्हाट डज इट मीन 30 टर्म का क्या मतलब है? अभी भी सिखाया ना, व्हाट डज इट मीन? A+29D, यानी कि अगर हमें A और D पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा, लिखना पड़ेगा सर 40। A कितना है और D कितना है? A कितना सर? 10। ये भी दिया हुआ है ना, हां, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड A, फर्स्ट टर्म, और D कैसे निकलेगा सर? सेकंड माइनस फर्स्ट, लेकिन 7 माइनस 10 गिव्स अस माइनस 3, समझ गए? ए कैसे निकालना है, ये जो पहला वाला उसी को ए बोलेंगे। डी कैसे निकलेगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, खास हो गए तो मार्क्स पहन के खाते कोरोना वायरस। ए की जगह पे लिख दूं मैं 10? यस सर। सो नो ए एंड यू सॉल्व इट, बी भी कितना माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 29 इनटू 3 87, 87 से 10 दिया तो 77 माइनस आएगा कि 87 बना, टिक करो तुम्हारा कौन सा आंसर है। सबसे ज्यादा हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए दिया क्वेश्चन में, यानी कि n निकालो, क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि हमें n तो निकालने बोल रहा है ना। उसके बाद a कितना है? 7। d निकालना पड़ेगा, 13 माइनस 7, और an दिया है क्या आखिर में जो है उसको? an ही मानते हैं ना, 205। ये वाला फॉर्मूला यूज करें, एन की जगह 205, ए की जगह 7, एन हमें निकालना है और बी हमारा 6 है। सो ये 7 इस तरफ ले आएंगे, टेक्निक तो यही था एन निकालने के लिए। 205 माइनस इनटू, और इधर क्या बचा? ये 6, 6 को इनटू करो एन के साथ, 6 एन माइनस 6 7 ओके माइनस 4 6 on the 6 7 बोल रहे हैं इधर इधर माइनस सर 300 टू 198 माइनस 6 इस तरफ ले आओ जी प्लस 6 उधर बचा 6 है तो माइनस करने का फायदा क्या होगा प्लस करो सर 204 उधर बचा 6 है 6 इधर लाओगे तो नीचे आएगा सर कैसे काटेंगे क्या से काटेंगे 6 से कटेगा 6 का टेबल में डायरेक्ट कट से काटेंगे जस्ट सर डायरेक्ट 6 6 6 3 जा 18 किल 224 6 4 जा 24 34 इस तरह से आप लोग नाउ आई से n कैन नॉट बी फ्रैक्शन कैन नॉट बी डेसिमल एंड कैन नॉट बी नेगेटिव पूछा है कि ये जो -150 है क्या ये इस ab का भाग होगा क्या ये इस ab में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे n निकालेंगे अगर n ओके है तो ये -150 इस एपी में कोई एक जगह पे आएगा ठीक है लेकिन अगर n फ्रैक्शन है तब ये इस एपी में नहीं है सो a कितना है b कितना है कहां है 3 है माइनस माइनस बहुत फेवरेबल होता है सेकंड माइनस फर्स्ट इज d ओके an दिया हुआ है एन निकालेंगे एन कहाँ से लिया सर ये एन ही तो है एन तो कुछ भी हो सकता है अच्छा 150 माइनस 150 जो है वो इस एपी में है कि नहीं उसके लिए हमें एन निकालना तो डेफिनेटली एन ही सही है ना ए प्लस एन माइनस 150 एन की जगह क्या लिखूं माइनस 150 ए की जगह 11
माइनस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस देखो 3 1 3 माइनस माइनस ये कैलकुलेशन कितना हो गया प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस ये प्लस 3 इधर लाओ क्या होगा कितना हो गया ये माइनस कर दिया कितना थ्री को इधर ले आओ नीचे मुझे ऐसे इसको थ्री से डिवाइड करके देखना है कि कटता है पांच बार नहीं कटता नहीं कटता यानी कि फ्रैक्शन में है तो 150 जो है वो इस एपी पे नहीं आ सकता क्योंकि एन आगे फ्रैक्शन सिंस एन इज फ्रैक्शन therefore minus 150 is not a term of the AP क्या दिया है 11852 जो कि है fraction है minus 150 is not a term of the AP this इस AP का ऐसा कोई term नहीं है जिसमें minus 150 है